चलिए आपको सीधे राजधानी के बिरला सभागार लिए चलते हैं, जहां पर भारत वाहिनी पार्टी का पहला प्रतिनिधि सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। और इस सम्मेलन में घनश्याम तिवारी प्रदेश अध्यक्ष पद भी ग्रहण करेंगे, एक नई पार्टी के आगाज करने जा रहे हैं और कोशिश इस बात की बीजेपी से अलग होने के बाद एक नई पार्टी का शुरुआत करने की। ये अभिनंदन कार्यक्रम तो है, ये पारिवारिक स्पर्श का, पारिवारिक अनुभूति का कार्यक्रम भी है। तो मैं आप सब लोगों से आग्रह करूंगा कि मुझे आप वो नाम बता दें, मैं कुछ लोगों के नाम बोलता हूं जिन लोगों ने शुरू से लेकर आखिर तक अपने साथ दिया। मैं सर्वप्रथम करौली जिले से प्रारंभ करता हूं। सबसे पहले मैं कैला माता गया था, वहां अपना कार्यक्रम हुआ था और सबसे पहले वहां शुरुआत हुई थी। बोलो कैला मैया की, बोलो मदन मोहन जी महाराज की, भरतरी वाले भी बहुत लोग हैं, या हनुमान जी वाले भी लोग हैं, मेरा आग्रह है, आपको जगह नहीं है, सारा हो गया है, तो सीढ़ियां भी फुल हो गई है, तो आप बैठ जाएं, और जगह नहीं मिले तो आगे भी बैठ सकते हैं, और अपने पास एलईडी लगी हुई है वहां भी बैठ सकते हैं, वहां भी फुल हो गया। वाहिनी की दीनदयाल वाहिनी की
स्थापना से लेकर अब तक कोई भी कार्यक्रम और कोई भी ऐसा काम नहीं रहा जिसमें इन्होंने नहीं किया। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लोग कार्य में ऐसे पूछे वोट श्यामचंद्र जी, बाकी भरतपुर के प्रमुख कार्यकर्ता है, चलो आप भिखारी के रूप में सबको आगे तो आ जाए बता दो भैया खड़ा कर आए गए भाई भरतपुर लोग। भरतपुर के सभी पदाधिकारियों से आग्रह है एक बार मंच पे आ रहे हैं। देखो फिर बहुत लेट हो जाएगी, आप जल्दी नहीं आओगे। भरतपुर के बाद में सवाई माधोपुर के कार्यकर्ता कृपया तैयार रहे मंच के दाहिनी ओर, और सवाई माधोपुर के बाद में दौसा के कार्यकर्ता। बहुत शुभकामनाएं सबको, बहुत धन्यवाद सबको। आप सब विधानसभा क्षेत्रों के प्रतिनिधि आए हैं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सब विराजिए, भरतपुर वालों को बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं विराज। नमस्ते आपको सबको धन्यवाद। एक आग्रह करूंगा मैं सब लोगों से बहुत विनती पूर्वक कि मंच पर खड़े कृपया पैर नीचे नमस्कार करें। बहुत धन्यवाद सबको, बहुत बहुत भरतपुर के बाद और सवाई माधोपुर कृपया मंच के दाहिनी ओर आ जाए। आयोजित राधे कृष्ण जी, राधे राधा मोहन जी, दो सौ सवाल।